अच्छा लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सब ठीक है, सेफ है, हम सब भी ठीक है। पर आज मेरा घर एकदम खाली खाली लग रहा है, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की बेटी दोनों घर चली गई हैं। तो अभी बज रहे हैं 10:30, आज बहुत लेट हो गया हम लोग का। अभी जस्ट नहा के हम पूजा करने जा रहे हैं, है ना बेटू? बेटू का भी आज मन बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि आज बोनू चली गई है, बोनू, है ना? पर क्या कर सकते हैं, पूरा दिन का काम भी है और बेटू का स्टडी भी है, है ना? काम तो काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग और इस दिन का भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना आज कुछ दिखाती हूँ आपको। ऐसे यहाँ पे एक है, पॉन्ड टाइप का है, उसमें ना कमल खिला था, तो मेरे पापा मेरे लिए भी लेके आए, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है ना लोटस। ये तो लोटस नहीं है, इसको हम लोग तो सालुक फूल बोलते हैं। ये है लोटस, कितना अच्छा लग रहा है ना। कलर भी एकदम पिंक है, पता नहीं कैमरे में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखिए इसका पत्ता, कितना बड़ा बड़ा सा पत्ता है। ये छोटा सा ये छोटा साइज का है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये वाला है। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब ना मैं इसको पानी में रख दूंगी, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है ना, तो लक्ष्मी जी को मैं चढ़ाऊंगी ये फूल। तो ये आज मैं गणेश जी को चढ़ाऊंगी और ये वाला लक्ष्मी जी के लिए रख दूंगी। तो अभी पानी में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा झड़ जाएगा। तो चलिए मैं रख देती हूँ पहले। तो अब मैं करूँगी नाश्ता। तो देखिए पहले मैंने प्लेट रख दिया है और अब मैं इस पत्ते को एज अ प्लेट यूज़ करूँगी और बहुत मज़ा आता है ऐसे खाने में। पहले हम लोग जब भी नानी घर दादी घर जाते थे ना, और वहाँ पे ये सारा पत्ता मिलता भी है, कमल का पत्ता, केले का पत्ता, तो हम लोग ना शौक से मंगवाते थे और उसी में खाते थे, बहुत मज़ा आता था। और कहा जाता है कि कमल के पत्ते में या फिर केले के पत्ते में खाना बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो चलिए पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। देखिए अभी बेटू क्या खाएगा, आम। उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा? साइकिलिंग। बेटू पहले आम खाएगा, अभी बज गए हैं शाम के, देखिए 6 बज रहे हैं, बेटू आम खाने के बाद जाएगा साइकिलिंग। ओहो खुशी। चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो। टेस्टी দেওয়ালে দিকটা করে লাগা একটু, তাহলে ঠিক থাকবে। হ্যাঁ দেওয়ালে সাটানো দরকার নেই। হ্যাঁ চলো লক মারো। জোরে ঝড়টা উঠলো। চলো হয়েছে, ঠিক আছে চলো। এটা কি হচ্ছে?
अभी देखिए बाहर ना बारिश हो रही थी, शाम से थोड़ा सा आंधी जैसा चला, उसके बाद फिर बारिश हुआ, बहुत अच्छे से बारिश हुआ, तेज़ बारिश हुआ। अभी थोड़ा सा कम हो गया बारिश, और बारिश देखते देखते मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो पी रही हूँ चाय। और आज ना बेटू को हॉर्लिक्स नहीं पीना था, तो कभी कभी ऐसा बोलता है वो कि मुझे आज हॉर्लिक्स नहीं पीना है, तो कभी कभी तो चाय भी पीने का जिद करता है, कभी कभी चाय देती हूँ, पर जैसे बोलता है कि मुझे आज हॉर्लिक्स नहीं पीना है तो मैं उसे छेना फटा के देती हूँ, तो आज छेना बना के दी हूँ, तो आज वो वही खा रहे हैं। आज तो बहुत टेस्ट लेके खाएगा, अगर यही चीज़ मैं 2 दिन दे दूँ ना तो नहीं खाएगा फिर, तो बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं। मॉर्निंग, तो देखिए आज हो गया है नेक्स्ट डे। कल से मैं इस वीडियो को कर रही हूँ, पर कल ना रात को मैं और इस वीडियो को ना ही कंटिन्यू कर पाई ना ही एंड कर पाई, बिकॉज मैं थोड़ा सा बेटू को स्टडी करवा रही थी, फिर डिनर बनाया तो थोड़ा सा लेट हो गया था, रात हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है आज नहीं कल इसे एंड करती हूँ और नया वीडियो फिर स्टार्ट करती हूँ। तो आज है बृहस्पतिवार और मेरा अभी भी पूजा हुआ नहीं है, मेरा आज पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसा कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को पहले एंड करती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ, शांति मन से आराम से पूजा करूँगी। और देखिए आज ना मैंने एक साड़ी पहन लिया है, मुझे साड़ी पहनना अच्छा तो लगता है पर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना मैं नहीं पहन पाती हूँ, तो आज ना गर्मी भी थोड़ा सा कम है, कल शाम को बारिश भी हुई थी ना तो थोड़ा सा आज गर्मी कम हो गया, तो आज लगा कि चलो ठीक है साड़ी पहनते हैं, बृहस्पतिवार को ना साड़ी पहन के पूजा करने में अच्छा भी लगता है। तो चलिए मैं पूजा अब कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो प्लीज़ जाने से पहले डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।